हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास आपका स्वागत कर रहा हूं सीटी एक्सप्रेस फर्स्ट लव योर करियर पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं एनटीपीसी में पूछे जा सकने वाले बेहतरीन कुछ क्वेश्चंस के साथ। न केवल ये क्वेश्चंस एनटीपीसी में पूछे जा सकते हैं, बल्कि और भी वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं। लाइक कर दीजिए और सेशन को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहें। कोई आपके सर्किल में एनटीपीसी एग्जाम या किसी और वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो जरूर उस तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं। सर आ जाओ, टाइम हो गया। आ गए भाई, आ चुके हैं। ठीक है भाई, आप लोगों को प्रॉपर वॉइस आ रही है, अब कोई इशू तो नहीं है। बता दीजिए, देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। आज का मोटिवेशनल कोट है कि द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, कि सबसे कठिन चढ़ाई करने के बाद ही सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल यही बात आज के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा फिट होती है, मैच करती है, कि सबसे ज्यादा मेहनत करने के बाद ही आपको अपनी सफलता का सबसे अच्छा नजारा मिलता है, आपको वो सेटिस्फाइड। जय हिंद। बिल्कुल सर, जय हिंद। आपको आपकी सफलता अच्छी लगने लगती है, बशर्ते आपने बहुत मेहनत की हो। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम धमाकेदार तरीके से क्वेश्चंस करेंगे कि एक ट्रांसफॉर्मर के साथ काम करता है, अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, दोनों एसीडीसी, या किसी के साथ काम नहीं करता। आपने देखा होगा कि कभी भी जो आपकी डायरेक्ट करंट होती है डीसी, इसके साथ ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। ठीक है, हमेशा अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है। किसके साथ? अल्टरनेटिंग करंट के साथ काम करता है आपका ट्रांसफॉर्मर। डबल वॉइस आ रही है, अब तो नहीं आ रही डबल वॉइस, अब तो नहीं आ रही डबल वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, ट्रांसफॉर्मर का एक काम समझ लो कि ट्रांसफॉर्मर का काम होता क्या है। यहां पर देखिए, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है आपको वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ये ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ा है तो करंट कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी करंट, और अगर वोल्टेज कम हुए तो करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ये आ गए वोल्टेज को बढ़ाने वाले और ये आ गए वोल्टेज को गिराने वाले। ठीक है, जो पावर स्टेशन होते हैं वहां पर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगे हुए होते हैं। करंट बन रही है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गए और फिर ट्रांसमिशन के थ्रू आपके पावर हाउस तक, पावर सेंटर, पावर स्टेशन तक भेज दिया और वहां से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, वोल्टेज कम कर दिए और फिर आपके घरों तक वो वोल्टेज आ जाते हैं 240-250। चलिए, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? कटक। कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, समझ में आ रहा है चीज, इसमें समझ में आने वाली बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। पीपल के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम बताइए। पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फिकस रिलिजियोसा, ओसिमस टेनोफ्लोरम, सोलनम ट्यूरोबोसम और ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? देखिए, पीपल के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस रिलिजियोसा। फिकस रिलिजियोसा क्या है? फिकस रिलिजियोसा। एक बात याद रख लेना, एनटीपीसी के एग्जाम में या रेलवे के एग्जाम में वैज्ञानिक नाम जरूर पूछे जाएंगे, वैज्ञानिक नाम जरूर पूछे जाएंगे, ये बात लिख के ले जाओ आज यहां से। वैज्ञानिक नाम जरूर पूछे जाएंगे, ये बात लिख के ले जाओ आज। ठीक है, भूलना मत इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, जो आप देखते हैं काफी समय से आपके घरों में यूज हो रही है? एलईडी से पहले ये ट्यूब लाइट यूज करी जाती थी बहुत ज्यादा।
फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, इसमें क्या यूज किया जाता है, इसमें होती है पारे की वाष्प और आर्गन। क्या होती है? पारे की वाष्प और आर्गन। आर्गन क्या है? आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, किस ग्रुप में आती है? देखो ये रहा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और रेडॉन। एक और रह गई यहां पर, जीनोन भी होती है, जीनोन। ठीक है, ये ग्रुप है इनका, निष्क्रिय गैसों का ग्रुप है, इनएक्टिव गैसेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में किस में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। हीट एनर्जी का ही एक रूप है, बिल्कुल हाँ सही बात है। एनर्जी के कई सारे फॉर्म्स होते हैं आपके, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, आपकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, डायनेमिक एनर्जी होगी, ये सारी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सारी एनर्जी, केमिकल एनर्जी होगी, ये सारी एनर्जी का ही रूप है। तो हीट एनर्जी का एक रूप है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। हीट को हम मिरर के द्वारा शो कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बताइए भाई। नहीं, नहीं कर सकते, हम किसी तरीके से नहीं दिखा सकते हीट को, मिरर से नहीं दिखा सकते, हीट को मिरर से नहीं दिखा सकते, या मिरर की हेल्प का हीट से कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाला ही ऑप्शन सही नहीं है। हीट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, बिल्कुल सही बात, हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। और हीट स्पेस में ट्रेवल कर सकता है या नहीं गुजर सकता? हीट निर्वात के माध्यम से नहीं गुजर सकता। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम अपने, कि इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सी चीज हार्डवेयर नहीं है, कौन सी चीज हार्डवेयर इसमें से नहीं है। मॉनिटर हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, देखिए MP3 फाइल हार्डवेयर नहीं है। अब वो चेंज कर सकता है, MP3 फाइल की जगह DOC या DOX, डॉक्स, या आपका PPT, इन चीजों को भी वो बोल सकता है, या PDF। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, आपको पता होगा जो हमारा पीएच मान वाली टेबल है उनमें क्या है, जो 7 से कम है वो एसिडिक है, और 7 से ऊपर, 7 से ऊपर वाले कितने हैं, क्षारीय आ जाते हैं, बेस एल्कलाइन आ जाते हैं। 7 से ऊपर वाले क्या हो जाते हैं, एल्कलाइन हो जाते हैं। केक सीमा क्षेत्र, पीला केक सीमा क्षेत्र में तस्करी का एक मद है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जिसकी तस्करी पीला केक के नाम से करी जाती है। चलिए जल्दी बताइए, बताइए दोस्तों, पीला केक, ऑप्शंस के थ्रू बताते रहे। ग्रेटर 7, ग्रेटर 7 किसका बता रहे हो, हाँ ठीक है, ग्रेटर 7 सही बता रहे हो आप। नेक्स्ट का बताइए, देखिए यूरेनियम ऑक्साइड क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, पीला केक कहा जाता है, और इसकी तस्करी करी जाती है यूरेनियम ऑक्साइड की। आप जानते हैं यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है और बहुत ही कॉस्टली है, तो जो कॉस्टली चीज होती है उनकी निगरानी सरकार करती है, और ये तो वैसे भी बॉम्ब बनाने के काम आ सकता है, तो ऐसी चीजों की तस्करी होना बट ऑब्वियस है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने बनाई थी, या किसने इस चीज का आविष्कार किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, नॉल और रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया था। ये वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसकी वजह से हम वायरस को देख पाते हैं कि हाँ जी वायरस कैसे है, वायरस की क्या स्ट्रक्चर है। मन्नत तिवारी जी पहली बार आए हैं, स्वागत अभी आपका, स्किप कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है @CTExpressOfficial, इस पर आप जुड़ सकते हैं, सारे PDF करंट अफेयर्स के हों, आपके एग्जाम से रिलेटेड जितना भी डाटा होता है हम इसी ग्रुप में शेयर करते हैं। देखिए हेनरी बैकुरल ने क्या किया था, बैकुरल रेज की खोज की थी, बैकुरल रेज, इन्होंने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है, आप कोई फिशरीज मत कह देना,
फिशरीज मत कह देना, बस बाकी कुछ भी बताओ आप मगर फिशरीज मत बोलना। पहले बता रहा हूं कि ये गलत है। मछलियों के अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। बहुत ज्यादा पूछा जाने की संभावना है और ऑप्शन में फिशरीज रखा मिलेगा और बच्चे धड़ाधड़ लगा के आएंगे। पहले बता रहा हूं इसीलिए ऐसे क्वेश्चन इसीलिए सोच समझ के डिजाइन करे गए हैं आपके लिए। इक्थियोलॉजी फिशरीज के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम मिलाने हैं कि किस किसकी वजह से, किस एलिमेंट की वजह से हमें कौन सा रोग होता है। देखिए मैं आपको लिंक करने की बता रहा हूं कि आप कैसे इसमें लिंक कर सकते हैं, लिंक कैसे कर सकते हैं। देखो आयोडीन है, आपको पता था आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है, घोंघा रोग हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि आ गया। पहले इसे मिला लो, तो दो का डी किसमें है पहले ये देख लो, दो का डी एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इन दोनों में से कोई सा सही है। कुछ और देखो, कुछ और पता है आपको, पता था कोबाल्ट की उससे क्या होता है, कैंसर हो जाता है, कोबाल्ट से क्या हो जाता है कैंसर, तो एक का सी किसमें है भाई, दोनों में ही एक का सी आ गया, तो हमें और कुछ भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आयरन, आयरन, आयरन की कमी से हमें क्या हो जाता है भाई, आयरन की कमी से हमें रक्त अल्पता हो जाती है, क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, हीमोफीलिया। तो हमारा क्या है, तीसरे का बी किसमें है, तीसरे का बी तीसरे में है, तो हेंस हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चौथे का और बट ऑबियस हो गया कि फॉस्फोरस की कमी से क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया, क्या हो रहा है, ल्यूकेमिया। चलिए दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर हो गई। सर आप इतने गुस्से में क्यों पढ़ाते हो, आकाश सर तो मुस्कुराते हुए पढ़ाते हैं। गुस्सा नहीं है भाई, ये सीरियसनेस है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिक है, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, जल्दी से बताइए। चलिए भाई हंस के भी पढ़ा रहे हैं ये लोग, किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है बताइए भाई, क्या फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, थोड़ा सा ये समझ लो। देखिए किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को यानी कि यूनिट मास को, किसी भी पदार्थ के, कोई भी पदार्थ हो सकता है आपका, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कोई ईंधन हो, चाहे वो कोई लकड़ी हो या कोयला हो, उसके यूनिट मास को, यूनिट वेट को, एक किलो को जलाने पर जितनी हीट एनर्जी प्राप्त होती है, जितनी हीट मिलती है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। मोटा मोटा सा आप ये बात समझ लें, तो इसमें से सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसमें मिलेगी हमें, फैट में मिलेगी। किन में मिलेगी, फैट में मिलेगी। अगले प्रश्न पर आते हैं कि एक आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए, एक आइडियल फ्यूल में क्या होना चाहिए। ये सभी बातें होनी चाहिए एक आइडियल फ्यूल में, कंट्रोल्ड भी हो, ये नहीं हो कि एकदम से उसमें आग लग गई, एकदम से सारा जल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर जो उसका, देखो ये प्रज्वलन तापमान की बात हो रही है, ये थोड़ा सा समझ लो कि प्रज्वलन तापमान होता क्या है, कोई भी मैटर होती है, कोई भी चीज होती है, वो जब तक एक सर्टेन टेम्परेचर तक नहीं आ जाती है, इसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको, इग्निशन टेम्परेचर। देखिए कोई भी चीज जब तक नहीं जलेगी, जब तक वो अपने इस इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं आ जाएगी। आप कभी पेट्रोल को और डीजल को जला के देखना, आप लाख कोशिश कर लोगे डीजल को नहीं जला पाओगे, क्यों, डीजल का इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है। डीजल का जो इग्निशन टेम्परेचर है, खुले में आप कभी भी डीजल को नहीं जला सकते, डीजल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो रूम टेम्परेचर पर जल ही नहीं पाएगा, जब तक उसे बहुत ज्यादा गर्म और प्रेशराइज ना करा जाए तब तक नहीं जलता डीजल। और पेट्रोल एकदम जल जाएगा, तो उसका पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। आप मेरी बात समझे दोस्तों, इग्निशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट ठीक हो गया, कंट्रोल्ड भी होना चाहिए, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, तो सारे ही ये क्वालिटीज एक आइडियल फ्यूल में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरा निचला परत है, दूसरा निचला परत कौन सा है पृथ्वी के वायुमंडल में, जल्दी से बताइए भाई दूसरा। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, इतने आप बताइए। थर्मोस्फीयर और आगे आपका एग्जोस्फीयर, ये ना एक
ये मैंने आपको बताया, बता रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर, आपने सही आंसर दिया स्ट्रेटोस्फीयर, देख के तो नहीं दिया है। देखिए सबसे हमारी अर्थ सरफेस से लेके चल रहे हैं, सबसे पास क्या है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ओके आपको समझ में आई, ये चीज याद रख लेना, कंफ्यूजिंग होती है चीजें, पूछ ली जाती हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, एंड ये सब हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने इब्न बतूता को दिल्ली का मुख्य काजी बनाया था, कौन सा ऐसा शासक था जिसने इब्न बतूता को, इब्न बतूता एक मोरक्को का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री था, घुमंतु यात्री था, ये घूमता रहता था पूरी दुनिया में और चीजें लिखता रहता था। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, वो इससे बहुत प्रभावित हुआ और इसको क्या बना दिया था, दिल्ली का मुख्य काजी बना दिया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था, संविधान सभा का पहला सत्र, सबसे पहली बार जो मीटिंग हुई थी, सत्र बैठाया गया था जिसमें सभी लोग थे, संविधान सभा के जितने भी मेंबर हैं वो सभी लोग थे, वो कब आयोजित किया गया था, जल्दी से बताएं भाई। देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, संविधान सभा का पहला सत्र गठित कर लिया गया था, बुला लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा देश 49वीं पैरेलल लाइंस पर है, समांतर रेखा पर है, कौन सा कंट्री 49वीं समांतर रेखा पर स्थित है, कौन कौन से दो देश हैं ऐसे, यूएसए और कनाडा, कौन से देश हैं, यूएसए और कनाडा है जो पैरेलल लाइंस 49th पर स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है, जापान में है ये आपका, चिली अर्जेंटीना में है, और यही है आपका ओजोस डेल सलाडो। ये जो आपका एक्टिव वोल्केनो है उसका एक्चुअल पिक्चर आप देखें कितना खूबसूरत है, वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया का है सर, नहीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं है भाई, अमेरिका और कनाडा है, कोई बात नहीं, डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पे देखें। सचिन साहू कह रहे हैं डी, बिल्कुल सही कहा आपने सचिन साहू जी, आई थिंक पहली बार आए हैं, स्वागत है आपका सीडी एक्सप्रेस पर। चलिए अगला बहुत ही हलवा क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, क्या है भारत रत्न, तो क्या आपको उम्मीद है मैं आपसे इतने हल्के क्वेश्चन पूछूंगा, नहीं, आप बताइए कि विगत वर्ष लास्ट ईयर भारत वर्ष कितने भारतीयों को दिया गया है और किन किन को दिया गया है, ये आज का आपका होमवर्क है, मैंने पिछली वीडियो में ये पढ़ाया है, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच क्या होगा, अच्छा बता दिया जाएगा, टेंशन ना ले, अभी आप इसके बीच में चलें। 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच में है, पहले आप मुझे ये बताएं कि 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच में है, 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच में है, आपके लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और कार नो निकोबार के बीच में है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी, किसने वाज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, गुरु गोविंद सिंह, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने क्या करी थी स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना करी थी, इन्होंने 5 चीजें नेसेसरी बता दी थी, केश, कढ़ा, कंघा, कच्छ और कृपाण, 5 चीजें नेसेसरी बता दी थी कि हर एक सिख को ये 5 चीजें जरूर धारण करनी चाहिए, केश, कंघा, कढ़ा, कच्छ और कृपाण। देखिए दल बदल विधेयक
दिक्कत क्या थी, नेता किसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे और दूसरी पार्टी में बाद में चले जाते थे और सरकारें बना लेते थे अपने फायदे के लिए, अपनी सीट के लिए। तो हुआ क्या, सरकार में आवश्यकता हुई एक ऐसे दल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून को लाने की, कि भाई कोई भी नेता ऐसे आसानी से दल ना बदल सके। इसका इसका फायदा क्या था, इसका फायदा ये था कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म होगी, ठीक है, लोकतंत्र के साथ कोई धोखा नहीं दिया जाएगा। तो राजीव गांधी जी के टाइम पर ये दल विदल विरोधी कानून लाया गया था, दल विदल विधेयक पारित किया गया था। किनके समय पर, राजीव गांधी जी के समय पर, कृपाण, हाँ जी ठीक है। अपना क्वेश्चन है, दूध का खट्टापन किसके कारण होता है, दूध का खट्टापन किसके कारण होता है, प्रोटोजुआ के कारण, जीवाणु के कारण, या विषाणु की हरकत होती है दूध को खट्टा करने में, या कुछ कवक है, नहीं कवक तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है कवक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या दूध में वायरस है, नहीं भी दूध में वायरस भी नहीं है, प्रोटोजुआ होने की संभावना हो सकती थी लेकिन ये जीवाणु के कारण होता है। खट्टापन किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। आपका होमवर्क ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस जीवाणु के कारण, या वो क्या रीजन है जो दूध का दही बना देता है, उसके पीछे कौन है। दल बदल दसवीं अनुसूची, बहुत बढ़िया। लाइकेन आर कॉन्स्टिट्यूट बाई, लाइकेन आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई किसके बने, लाइकेन किन किन चीजों का संगठन है, किन किन चीजों से मिलकर लाइकेन्स बने होते हैं। ठीक है, लाइकेन्स बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं हमारे किस चीज के, पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के। इनके कलर चेंज हो जाते हैं, अगर हमारी हवा में प्रदूषण या पॉल्यूटेंट्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो ये अपना कलर चेंज करने लगते हैं, ये नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ये बात आपको जानकारी में है। बैक्टीरिया नहीं भाई, अच्छा आप उसका जवाब दे रही हैं, बैक्टीरिया, गुड। देखिए कवक और शैवाल, इन दो चीजों को मिलके क्या बनता है आपका, लाइकेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं लाइकेन्स, कवक और शैवाल, इन दोनों को जब इकट्ठे होते हैं तब क्या बनते हैं आपके, लाइकेन्स फॉर्म होते हैं, वेरी गुड। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, आंवला। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है, आंवला। सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, होशंगाबाद। कहां पर है, होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल का मुख्यालय स्थित है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट का क्या फंक्शन होता है, आपको ऑप्शंस में से बताना है, आपको बताना है ऑप्शंस में से कि हाइड्रो पावर प्लांट का फंक्शन क्या है। आप ऑप्शंस में से बताएं, आप मुझे क्या ऑप्शन बता रहे हैं आप, सचिन साहू जी कह रहे हैं फंगी एंड एल्की, सी बिल्कुल नहीं, सी नहीं, डी डी, फंगी एंड एल्की, लाइटे पार्क उत्तराखंड में, क्या कहना चाह रही हूं शिवानी जी, हाँ बताइए भाई कि जल विद्युत जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा लाइकेन पार्क के बारे में बता रही हैं आप, उत्तराखंड में है, अच्छा देखिए होता क्या है, एक हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है वो इस तरीके से फॉर्म होता है कि भाई नदी जा रही है कोई, यहां पे डैम बना दिया, पानी इकट्ठा कर लिया खूब सारा, अब पानी में बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हुआ क्या, यहां पर जो डैम बना हुआ है काफी बड़ा, वहां से एक टनल निकालेंगे और नीचे 2-3 किलोमीटर तक वो टनल चली जाएगी और इस टनल में क्या करेंगे, पानी फ्लो कराएंगे और इस टनल के जस्ट आगे हाइड्रो टर्बाइन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाइड्रो टर्बाइन लगा देंगे। अब हाइड्रो टर्बाइन लग गई, यहां पर हमारी क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों थी, मेनली क्या थी आपकी, पोटेंशियल एनर्जी ही थी, ठीक है ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों होती हैं इसमें। तो वहां पर क्या फॉर्म हो जाती है, टर्बाइन से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें बदल गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल जाती है।
कोई बात नहीं, नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट समझ लो किस तरीके से चीजें हो रही हैं। आगे आते हैं कि दुनिया में सबसे जहरीली मछली स्टोन फिश कौन सी है? स्टोन फिश है, क्या है? पत्थर मछली, याद रख लेना। सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? मैग्नेटाइट में। किसमें है सबसे अधिक आयरन? मैग्नेटाइट में है। सबसे अधिक आयरन किस अयस्क में है, किस ओर में है? मैग्नेटाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, विटामिन डी के डिस्कवरर कौन है? हु डिस्कवर्ड विटामिन डी? द डिस्कवरर ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के खोजकर्ता कौन है? जॉर्ज होयत विपल, हेनरिक डैम, पॉल जॉर्जी, वी मैकुलम। आई थिंक वी मैकुलम सही आंसर है। वी मैकुलम ने विटामिन डी की खोज की थी। पेंडुलम का आविष्कार किसने किया था? देखिए पेंडुलम हैंग करता रहता है, लटकता रहता है, तो याद रख लो हुंगियंस, ये भी लटके हुए हैं, हुंगी हिंगी से ऐसे से याद रख लिया, ठीक है? हुंगियंस ने करी थी। भाई आपको ट्रिक्स भी मिलती जा रही है छोटी छोटी, लिंक करने की बात है, थोड़ा सा लिंक करते रहोगे चीजें याद रहेंगी। जीएस रटने का विषय है कुछ लोगों का मानना है, बट मेरा मानना है जीएस और जीके वाली थोड़ी सी आप चीजें समझ लो और थोड़ा सा उनकी 2-3 बार रीडिंग ले लो, फिर वो आपको याद रहती हैं। ऑप्शंस तो हमारे सामने पेपर में होते ही हैं, हमें याद रट के थोड़ा ना लेके जानी है। ऑप्शंस जब सामने वाला दे रहा है तो बस इतना दिमाग खर्च करो कि जैसे ऑप्शन सामने हो हम क्लिक कर दें। हजारों क्वेश्चन याद कर सकते हो एक दिन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं हजारों क्वेश्चन याद कर सकते हो उस तरीके से। एफिल टावर के निर्माण में किन तत्वों का प्रयोग किया गया? लोहा, स्टील और सीमेंट। लोहा, स्टील और सीमेंट। देखिए एफिल टावर अपने टाइम की बहुत ही एक अच्छा आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग का नमूना है, दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग उसे देखने जाते हैं प्रतिवर्ष। लास्ट ईयर की बात अलग है, कोविड के टाइम पे कोई लोग देखने नहीं जा पाए, बट स्टिल चलिए भाई आगे आए। सिनेवार का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कोई बात नहीं सचिन जी, सिनेवार का केमिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेवार? देखिए सिनेबार मैंने आपको जब उस दिन मेटल और उनके ओर याद कराए थे तो मैंने बताया था सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारे का अयस्क है, ठीक है? किसका? पारे का। तो HgS इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। सर आपके लिए, आपके सर से क्वेश्चन छिप जाता है। ओके ठीक है, लो आउट ऑफ फ्रेम करवाना चाह रहे हो हमें, हो गए, अब तो नहीं छुपेगा। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? How many types of amino acids are? Amino acids कितने टाइप के होते हैं? 15, 20, 22 या 25? ठीक बताया आपने। Amino acids होते हैं हमारे 20 types of amino acids पाए जाते हैं। 20 types of amino acids पाए जाते हैं। Next question है हमारा कि कौन सा phosphorus सबसे ज्यादा active है? कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा एक्टिव है? रेड, व्हाइट, ब्लैक या कोई भी नहीं? कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा एक्टिव है? देखिए व्हाइट फास्फोरस हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव है, एक्टिविटी के मामले में बात करते हैं हम तो व्हाइट फास्फोरस क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए संवैधानिक संस्था के बारे से आशय है कि ऐसी संस्था जिसके बारे में संविधान में बताया गया हो, मेंशन किया गया हो, जिसके लिए संविधान में कोई प्रावधान हो, ठीक है? बिना संविधान में संशोधन किए या बिना किसी मंजूरी के लोकसभा या राज्यसभा की जिस सभा को छेड़ा ना जा सके या परिवर्तन ना किया जा सके, वो सारी सभाएं क्या है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो देखिए इसमें से क्या है, वित्त आयोग संविधान में है, अंतर्राज्य परिषद है, चुनाव आयोग भी है, इन सब चीजों के बारे में कोई नियम वगैरह बनाना है तो लोकसभा या राज्यसभा से नियम जरूर पारित करवाना पड़ेगा। लेकिन योजना आयोग एक ऐसी चीज है जो संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। जब ही तो संविधान, जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने योजना आयोग का क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। अपनी बात से सहमत है सभी लोग? आई थिंक 20, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, वाइट 20। चलिए आगे आते हैं कि किस राज्य में लोकसभा सांसदों की संख्या का कॉम्बिनेशन सही नहीं है? इन विच ऑफ द स्टेट,
इन विच ऑफ द स्टेट नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर नॉट इन सेम ऑर्डर। बिहार में 40 है, हाँ जी, कर्नाटक में 28 है, बिल्कुल ठीक, छत्तीसगढ़ में 11 है, ठीक, महाराष्ट्र में 44 है, ठीक नहीं, ठीक नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं कि भाई महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी चुने जाते हैं। डी 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 देखिए महाराष्ट्र में है आपकी 48 सीट है आपकी महाराष्ट्र में, कितनी 48 सीट्स हैं। आगे आए, ये रहा महाराष्ट्र, अरेबियन सी। देखिए आजादी के कुछ समय बाद क्या था, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, ये इसको महाराष्ट्र नाम नहीं था, इसका नाम महाराष्ट्र नहीं था, इसका नाम था बॉम्बे प्रांत। इसको क्या कहा जाता था, बॉम्बे प्रांत या बॉम्बे प्रेसिडेंसी इसको कहा जाता था। और आज का जो गुजरात है, जो वर्तमान समय का गुजरात है, वो उस समय महाराष्ट्र बॉम्बे प्रांत का ही पार्ट हुआ करता था और इसको बॉम्बे प्रांत कहा जाता था। जब भाषाई आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर स्टेट बनने शुरू हुए, तो भैया गुजरातियों ने भी डिमांड करी कि हम गुजराती बोलते हैं, हमें एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है, तब जाकर गुजरात आपके एग्जिस्टेंस में आया। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आपने अटेम्प्ट तो किया, उसके लिए थम्स अप है। कितने राज्य की सीमा पूर्वी तट से लगी हुई है, भाई भारत के दो कोस्ट हैं, ये आ गया वेस्ट कोस्ट, ये आ गया ईस्ट कोस्ट। अब बताइए कि ईस्ट कोस्ट पर कितने राज्य हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर हमारा तमिलनाडु आता है, ठीक है भाई, तमिलनाडु आता है इधर, प्लस फिर क्या आता है तमिलनाडु के ऊपर, बताइए भाई, तमिलनाडु के ऊपर इधर आता है हमारा आंध्रा, क्या आता है, आंध्रा आता है, आंध्र प्रदेश। फिर हमारा उड़ीसा आ जाता है, क्या आ जाता है, उड़ीसा। फिर क्या आ जाता है उड़ीसा के ऊपर, वेस्ट बंगाल आ जाता है। तो कितने ऑप्शन हो गए हमारे, चार ऑप्शन हो गए, कितने हो गए भाई, चार ऑप्शन हो गए। आप लोग को समझ में आ रहा है भाई, महाराष्ट्र रॉन्ग हो गया, महाराष्ट्र मुंबई में कौन सी रिवर है, अरे भाई मुंबई की रिवर छोड़ो, अभी पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कि कितने राज्य पूर्वी तट से लगे हुए हैं। चार राज्य हैं, मैंने चारों के आपको नाम भी बता दिए, ठीक है, आगे आते हैं। कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रोवाइड करते हैं, जल्दी से बताएं भाई, क्या प्रोवाइड करते हैं वो। चलिए जल्दी से बताइए, क्या बता रहे हैं, यस यस नहीं भाई, मैंने पूछा है संविधान के जो आर्टिकल 17 और 18 है वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। देखिए जब कोई भी देश, देश तब बनता है जब वहां पर समाज के सभी वर्गों को समानता दी जाए, समाज का कोई भी एक वर्ग ऐसा ना हो जो अपने आप में हीन भावना का महसूस करे, अपने आप को कमजोर महसूस करे, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले सोशल इक्वलिटी बहुत जरूरी है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी, ऐसे वर्ग थे जो समाज में इतनी बुरी प्रथाओं को लेकर चल रहे थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी, क्या है एक ऐसी प्रथा, क्या थी, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना। तो ऐसी ही बुराई को दूर करने के लिए आर्टिकल 17 में क्या बोला गया, आर्टिकल 17 में बोला गया कि भाई अस्पृश्यता, जिसको हम कहते हैं अनटचेबिलिटी, इसको खत्म करना है हमें, अनटचेबिलिटी को फिनिश करना है। क्या कह रहे हैं आप, हाँ 18वां है उपाधि, उपाधि पर आ रहे हैं, 18वें आर्टिकल में क्या बोला गया
कि ये जो उपाधियां हैं भाई, किसी को लाट साहब कह दिया, किसी को लंबरदार कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, और वो अपनी बड़ी खुशी में जी रहा है, बोले जी मैं तो लाट साहब हूँ। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई। इन सब चीजों को भी खत्म कर दिया गया। सिर्फ उपाधियां कौन सी रह गई? सिर्फ उपाधियां रह गई आर्मी में, और जो सरकार द्वारा कुछ प्रदत्त उपाधियां हैं सिर्फ वही चीजें रह गई। और क्या नियम बना दिया गया कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना या राष्ट्रपति की आज्ञा से जो उपाधियां दी जाएंगी सिर्फ वही मान्य होंगी। ठीक है भाई, जैसे कि ये पुरस्कार हो गए, जैसे कि ये पुरस्कार, देखिए यहां से क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन फॉर्म होता है कि किस आर्टिकल के तहत, किस आर्टिकल के तहत जितने भी भारत में ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं, नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो भारत में जो जितने भी पुरस्कार है ना, आपका पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये जितने भी जो सेना को दिए जाते हैं या फिर जो सिविलियंस लोगों को दिए जाते हैं, ये इसी आर्टिकल 18 के द्वारा राष्ट्रपति के तहत दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? गणतंत्र दिवस पर। ये देखो, हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ लिंक है, लॉजिक है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, तभी कोई चीज फॉलो करी जा रही है, कोई चीज फॉर्म हुई है। आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा। आपकी उपाधि है बिट्टू, कोई बात नहीं है बिट्टू, कपिल शर्मा आ जाएगा आपके पास, कहेगा बिट्टू तो उसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑफ कोर्स चाइना है। कौन है? चाइना। टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, नेक्स्ट। प्राचीनतम समय में निम्न नदियों में से किसे परुषणी के नाम से जाना जाता था? किस नदी को परुषणी के नाम से जाना जाता था? कौन सी ऐसी नदी थी जिसको परुषणी कहते थे? चलिए बताइए दोस्तों, मैं आपका वेट कर रहा हूं कि आप मुझे इसका आंसर दें। बताइए भाई, किस नदी को परशुनी के नाम से जाना जाता था? रावी। सचिन साहू जी कह रहे हैं रावी नदी को हम परशुनी नदी के नाम से जानते हैं या जाना जाता था। चलिए बहुत अच्छी बात, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, रावी नदी को ही हम परशुनी नदी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, हम इफ यू टॉक अबाउट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट, तो फरवरी 2 इज ऑब्जर्व एज अ विच अमंग द फॉलोइंग डेज, कि 2 फरवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। बताइए भाई, झेलम व्यास पिप्सा। वेरी गुड। डी, सचिन साहू जी बता रहे हैं डी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं साहू जी, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के नाम से इसको बनाया जाता है। चलिए बिल्कुल ठीक है, अब हम कुछ डिस्कशन करते हैं आपसे कि क्या डिस्कशन होना है। निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? कौन, भारत के कौन से राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? जल्दी बताइए, किस स्टेट की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? शिवली कह रही है मेरे बर्थडे को होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 2 फरवरी को बर्थडे होता है, तो शिवली एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। क्या कह रही है दिदश? सी, साहू जी कह रहे हैं सी, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, क्विज से अलग हम कुछ चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्या डिस्कस करना है? देखिए, कल मैंने आपको कुछ जलधाराओं के बारे में बताया था कि कुछ जलधाराएं होती हैं, समुद्र में जलधाराएं बहती रहती हैं, तो कुछ गर्म जलधाराएं हैं, कुछ
ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है, क्या है, कुछ गर्म जलधारा है और कुछ क्या है, ठंडी जलधारा है। तो कौन सी जलधारा किस ओशन में है, कौन सी जलधारा किस ओशन में है और उन जलधाराओं के मिलने पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, हम अपने अगले वीडियो में इन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इन जलधाराओं के मिलने से हमारे इतिहास में कितनी बुरी बुरी घटनाएं घटित हुई हैं, जैसा कि आप जानते हैं टाइटैनिक भी डूब गया था और भी बहुत सारी चीजें घटी हैं। इन सब चीजों को हम बड़े स्टोरी के वे में डिस्कस करेंगे कि कितनी हमें जन हानि हुई हो चुकी है इतिहास में इन सब चीजों को लेके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सेशन से जुड़े गाइज, टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ लें और सुबह को साढ़े सात बजे सेशन आ रहा है करंट अफेयर का, उसमें जरूर शामिल हुआ करें आप। सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, दुनिया भर के क्वेश्चंस नहीं होते, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो घटनाएं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, ये नहीं कि पूरा अखबार पढ़ के सुना दिया, नहीं, बहुत लिमिटेड चीजें होनी चाहिए पढ़ने वाले बच्चों को और उन्हीं चीजों को बार बार रिपीटेटिव वे में पढ़ना चाहिए। दुनिया भर का पढ़ लोगे तो कैसे याद रखिएगा, छोटी सी जान होती है। ये आपका टेलीग्राम लिंक है ग्रुप का, इसे जरूर देख लें, @CET Express Official आप सर्च करेंगे @CET Express Official, लोगो लग रहा होगा उस पर, उसे जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है दोस्तों। शेयर करते रहें और खूब पढ़ो, खूब खाओ, खूब मस्ती से रहो और जो भी आपका टारगेट है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं सुबह को 7:30 बजे। गुड नाइट।